सीधा आप जाके गूगल पर लिखिए GFR, जिसका मतलब होता है जनरल फाइनेंस रूल, सामान्य वित्तीय नियमावली। तो आप देखेंगे कि 2017 है आ रहा है, क्योंकि जो लास्ट अपग्रेड हुआ था GFR में वो 2017 में ही हुआ था। इसके बाद में आपको क्लिक करना है, ये नीचे बहुत सी वेबसाइट होंगी लेकिन आपको हमेशा सरकारी वेबसाइट पे जाना है। मेरा कहने का मतलब, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की वेबसाइट यहाँ खुल गई, ये भारत सरकार का लोगो आ गया, आप जेन्युइन वेबसाइट पे हैं। तो अब इंग्लिश में या हिंदी में जैसे भी चाहो PDF डाउनलोड कर सकते हो। PDF डाउनलोड होके आपके सामने आ जाएगी, मैंने हिंदी में सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कर दी है। तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी ये बुक है, 244 पेजेस इसमें हैं। तो जो लोग इधर उधर से प्राइवेट पब्लिशर्स को नहीं खरीदना चाहते, वो सीधे आकर के सरकारी वेबसाइटों से ये जो है रूल्स के लिए अलग अलग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर आप किसी ऑनलाइन कोचिंग को खरीदोगे, फिर एक आधी क्लास वो इसी तरह PDF आपके सामने खोल लेंगे और उस पे ऐसे करके हाईलाइट करते चलेंगे, पढ़ते जाएंगे, आपको बताएंगे देखिए यहाँ ये है, ये ऐसे आ सकता है, आप भी हाईलाइट कर लो, PDF आपने डाउनलोड कर ली होगी। तो ये कोई पढ़ाने का तरीका होता है। तो ये चीज़ ऐसी है कि कोचिंग सेंटर वालों को अभी इस पर थोड़ा सा और रिसर्च और थोड़ा सा आदी बनना पड़ेगा कि इस्टेब्लिशमेंट रूल, गवर्नमेंट ऑफिस प्रोसीजर्स के रूल किस तरह से सिखाया जाए। वो सिस्टमेटिक मैनर अभी आया नहीं है ऑनलाइन कोचिंग में इन चीज़ों को सिखाने का। तो वो गूगल पे जाके लिखेगा CCS CCA रूल। एक्चुअली ये जो CCS CCA रूल है ना, इन्हीं में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो ब्राउज़र पे सर्च करने के बाद में आपके सामने जो ये वेबसाइट आती है, जैसे DOPT, ये वेबसाइट बहुत इम्पोर्टेंट है और सरकारी एम्प्लॉयज़ तो इसको जानते ही हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो इनकी ये जेन्युइन वेबसाइट है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ऐसे खुल जाएगी। इस वेबसाइट पर देख सकते हो कि CCS CCA रूल 1965 आपके सामने पूरा प्रस्तुत कर दिया गया है। 1965 क्यों? क्योंकि 1965 में इसमें कुछ चेंजेस करके लागू किया गया था फिर से, और तब से यही चल रहा है। जो छोटा मोटा अपग्रेड होता है वो तो अवगत कराते रहते हैं ये सरकारी एम्प्लॉयज़ को ईमेल वगैरह के माध्यम से। बाकी ये रूल्स ज्यों के त्यों आज भी चल रहे हैं। और आप लोगों को एक बात बताऊं, ये रूल्स 1 जनवरी 1920 के आसपास के बने हुए हैं। जो रूल्स आपको तैयार करने हैं, उस समय भारत आज़ाद भी नहीं था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल में ये लिखा गया था कि भारत का संविधान बनाया जा रहा है और जो सरकारी कार्यालयों के कामकाज होंगे उनमें वही रूल जो पहले से चल रहे थे ज्यों के त्यों लागू हो जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति को और संसद को यह शक्तियाँ रहेंगी कि वो जब चाहें जिन रूल्स में बदलाव कर सकते हैं। इसी पेज पर देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा पेज है ये, साइड में देखिए स्क्रॉल बार कितना डीपली मैं इसको लेके जा रहा हूँ। तो इसमें काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, तो घर बैठे भी अपनी तैयारी कर सकते हो बिना